हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ ओट्स की बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी लेकर के आई हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ मसाला ओट्स। अगर आपको ओट्स खाना पसंद है तो आपको ये रेसिपी बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। आप इसे ब्रेकफास्ट, स्नैक और डिनर में भी खा सकते हैं। तो फिर चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको सब्जियों में चाहिए होगा प्याज एक मीडियम साइज़ का, गाजर जो कि मैंने आधा गाजर लिया है, एक मीडियम साइज़ का टमाटर, आधा शिमला मिर्च, 2-3 लहसुन की कली, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च को मैंने रफली चॉप्ड कर लिया है। अगर इसमें से कोई सब्ज़ी ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1/2 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा ओट्स लिया है। यहाँ पे मैं 3 लोगों के लिए बना रही हूँ तो आप थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कुछ मसालों की ज़रूरत होगा तो हम मसाला ले लेंगे। अब क्या करें, कढ़ाई में जो है वो 1.5 टेबल स्पून ऑयल डालें। मैं यहाँ सरसों का तेल में बना रही हूँ, आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद तेल जैसे गर्म हो जाए आप लहसुन अदरक और हरी मिर्च को डाल करके उसे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन तक भून लें। यहाँ पे हम थोड़ा सा डालेंगे जीरा और थोड़ा सा अजवाइन 1/3 छोटा चम्मच करके, इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम जो है वो भून लेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज। इसमें आप अजवाइन जरूर डालें, अजवाइन हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसे भी हम प्याज को डाल के गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो ये देखिए, ये भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे सारी सब्जियां जो हमने कट करके लिया था, टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च, सारी चीज़ों को डाल करके इसे भी हम जो है वो थोड़ी देर के लिए 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम में भून लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये भी देखिए, ये भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। मसालों में हम ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1/2 छोटा चम्मच नमक, नमक अगर घट जाए तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गोलकी और जीरा का पाउडर, और इसे हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। नमक बिल्कुल यहाँ अपने स्वाद के अनुसार डालें, अगर बाद में आपको कम लगे तो आप बाद में उसे ऐड कर सकते हैं। तो ये भी देखिए, ये भी अच्छे से थोड़ा सा मसाला भुन गया है हाई फ्लेम में। अब हम इसमें डाल देंगे ओट्स। ओट्स डाल करके इसे भी हम जो है वो अच्छे से भूनेंगे। फ्लेम को यहाँ पे मीडियम टू हाई रखें और 1 मिनट के लिए ओट्स को भी हम अच्छे से भून लेंगे, ताकि ओट्स भी जो है अच्छे से रोस्ट हो जाए मसालों के साथ। 1 से 1.5 मिनट तक इसे अच्छे से भूनने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो पानी मैं यहाँ पे 1.5 गिलास ऐड कर रही हूँ। तो आप इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड करें, 1.5 से 2 गिलास जितना आपको ज़रूरत पड़े। मिक्स कर लें इसे अच्छे से। अब क्या करेंगे, हम फ्लेम को जो है वो लो करके इसे ढक देंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। लेकिन जब इसे ढक के आप पका रहे हो तो बीच में आप चला भी ले, वरना नीचे से ये जल जाएगा। तो ये देखिए, 1.5 मिनट के बाद ये अच्छे से पक चुका है, आप देख सकते हैं। फ्लेम को यहाँ पे लो रखें, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये देखिए हमारा मसाला ओट्स जो है वो बन के रेडी है। अब गैस को हम क्या करेंगे, ऑफ़ करने से पहले इसमें हम ऐड करेंगे नींबू। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, बट अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आप नींबू ज़रूर ऐड करें। मिक्स कर ले इसे अच्छे से, नींबू डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो चलिए इसे हम सर्व करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला ओट्स जो है वो बन के रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आप जो मार्केट से मसाला ओट्स खरीदते हैं ना, उससे अच्छा है कि आप इस तरीके से घर पर मसाला ओट्स बनाएं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी वेजिटेबल अवेलेबल नहीं हो तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे वेजिटेबल डालें, और इसके अलावा भी आप बहुत सारे वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, इसे मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा लेमन से इसे गार्निश करूँगी। तो मैं यहाँ 2 तरीका बता रही हूँ इसे खाने का। आप सिंपली इस तरह से खा सकते हैं, और नहीं तो थोड़ा सा इसके ऊपर जो है वो सेवई डाल के आप जो है वो खा सकते हैं। इससे टेस्ट इसका और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर ट्राई नहीं किया है तो ट्राई ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये मेरा रेसिपी? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।